हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैवी साइज की कुर्ती की स्टिचिंग सीखेंगे जो लाइनिंग वाली होगी। तो ये कमीज़ है जिसकी मैंने कटिंग आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें। तो शुरुआत करते हैं। ये कमीज़ का फ्रंट पीस है, इस पर हम लाइनिंग पहले लगाएंगे और फिर इस पर हम गला पलट देंगे। ये है एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, मशीन की कढ़ाई वाला सूट है, तो इस पर हम गला कैसे पलटते हैं देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा लाइनिंग का पीस है, इसे हम कमीज़ पर लगाएंगे। लाइनिंग लगाने के लिए पहले हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे और उसका बॉटम को पहले हम मोड़ देंगे। ये हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया, इसको एक बार ऐसे कन्नी से मोड़ेंगे इसको ऐसे, और फिर ऐसे दो बार फोल्ड करके इस पर हम कच्चे की सिलाई लगा देंगे। ये हमारे कमीज की शोल्डर है, शोल्डर से हम लाइनिंग को पहले जोड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लाइनिंग पर कट का निशान लगाएंगे सेंटर का, यहाँ से कट का निशान लगाएंगे और ऐसे ही कुर्ती के कट के निशान से हम दोनों निशान को आपस में कट से कट को मिलाते हुए हम इसे सीधा पहले सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद हम सेंटर के निशान, जो हमारा सेंटर है, सेंटर पे हम पूरी नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और जो सिलाई लगाएंगे वो 5 नंबर की सिलाई होगी, जो बाद में हमारे सिलाई करके हम बाद में इसे खोल देंगे। अब कपड़े को ऐसे प्रेस करते हुए अब हम एक तरफ यहाँ पर साइड एक साइड की से यहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी कच्चे की होगी, पहले इधर नीचे से लगा देंगे, फिर हम इस साइड से भी फिर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस साइड से लगाएंगे। ये हमारी एक तरफ सिलाई लग गई, अब हम इस तरफ की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना ये है कि जितना हमने यहाँ पे लिया है मार्जिन, इतना ही लेंगे, ऐसे उतनी ही दूरी पे लेंगे। जैसे हम मिला के लिए ऐसे इसे मिला के लेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब जो ये फालतू कपड़ा है इसकी हम पूरे में इसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी कटिंग कर देंगे और एक सार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छे से लाइनिंग पूरी सफाई से लग गई। अब इस पर हम गला पलटेंगे। गला पलटने के लिए हमें लेंगे 10x10 का बुकरम का टुकड़ा। अब इससे पहले हम गला बनाएंगे। एक बार आप बताऊँ आपको मैं, इसके अंदर जो मशीन की एम्ब्रॉयडरी है इसलिए हम इसको नीचे नहीं कर सकते पट्टी को, क्योंकि अटैच ही है, इसमें पीछे सारी कढ़ाई हो रखी है जो मशीन की है, इसलिए हम इस पर जो गला पलटेंगे तो ये पीस हमारा निकल जाएगा। अगर ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं होता, हमारा ये ऊपरी लगा होता, तो इसको उतार के हम नीचे भी कर सकते थे, लेकिन इसको हम नहीं उतार सकते क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, मशीन की कढ़ाई वाला है, तो इस पर ही हमें गला पलटना होगा। इसके लिए हमने 10x10 का, ये 10x10 का हमने टुकड़ा लिया है, इसका हमने बुकरम का, इस पर हम गले को पहले ड्रॉ करेंगे। गला हम बनाएंगे गोल, तो जो गले की जो चौड़ाई होगी वो होगी 3.25, क्योंकि हैवी साइज की कुर्ती है तो हमें 3.25 पे हम बनाएंगे इसे गले को। नॉर्मल कुर्ती की जो हम गले की लेते चौड़ाई 3 लेते हैं, लेकिन जो हैवी कुर्ती होती है उसकी थोड़ी सी हमें बढ़ा के लेनी होती है, तो 3.25 हमने यहाँ से लिया। और 8 इंच का हमारा गला है तो हम 8.5 कर लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा कंधे में चला जाएगा, तो 8.5 पे हम ये निशान लगाएंगे और यहाँ भी फिर हम 3.25 पे निशान लगाएंगे। इसको आपस से मिला देंगे। अब हम इस पर
गोल शेप देंगे। अब यहाँ से इस जगह से हमें 1.5 इंच की हमें मार्जिन रखते हुए निशान लगाना है। ये हमारा गोल गला बन गया। अब इसे हम कपड़े पर लगाएंगे। पहले तो इसके लिए हम लाइनिंग वाला कपड़ा लेंगे। ये हमने लाइनिंग वाला कपड़ा तैयार कर लिया है। इसका हम सिलेंडर वेल निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल दिया। अब इसे उल्टा करेंगे और इस पर निशान लगा देंगे। पहले यहाँ से हम 3.25 लेंगे, ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे 3.25 पर। कुल मिला के इसकी चौड़ाई हो जाएगी 6.5। ये हमने निशान लगा दिया 6.5 पर। अब इसे हम पहले इस पर सेट करेंगे। तो गले को पहले लेंगे और इस पर रखते हुए इस निशाने पर रख देंगे और इसे सेट करेंगे। इसे पिन की सहायता से सेट कर देंगे और इस पर हम कच्चे की सिलाई लगाएंगे। अब जो कमीज की सेंटर है इसको गले के सेंटर से मिलाते हुए हम इसे पहले इस पर सेट करेंगे और यहाँ पे पिन लगा देंगे जिससे ये हिले ना। अब इसकी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब एक पहले दूसरे से पहले कटिंग करेंगे और कट लगा के इसे हम पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला पलट गया। अब इस पर हम कच्चे की सिलाई लगाएंगे जो कि बाद में हम खोल देंगे। इस पर हमारी बाद में तुरपाई होगी, तो पहले कच्चे की सिलाई लगा के हम इसे सेट कर देंगे। इसके लिए हम टाका 5 रुपये का लगाएंगे। टाका बड़ा करके हम इस पर कच्चे की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला बनके तैयार हो गया। ऐसे हम पीछे वाले पीस की भी लाइनिंग लगा कर गला पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीछे के गले पे भी लाइनिंग लगाकर हमने गला पलट लिया है। अब इसकी हम कंधी जोड़ेंगे। पीछे वाले गले पर हमें सिलाई नहीं कच्चे की लगानी होती क्योंकि हमें कंधी जोड़नी होती है, इसलिए पहले हम कंधी जोड़ेंगे, बाद में हम इस पर कच्चे की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए कंधी कैसे जोड़नी है हमें। जो पीछे का पीस है पहले हम उसे रखेंगे सीधा ऐसे, ये हमारा उल्टी तरफ रहेगा, और जो आगे का पीस होगा इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ये आगे का पीस अंदर अंदर दोनों तरफ सीधा होगा और बाहर की तरफ दोनों तरफ उल्टा होगा। अब हम इस क्या करेंगे, कंधी से कंधी को ऐसे रखेंगे ऐसे, और जो ये पीछे वाला पीस है इसकी कंधी को इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर देंगे ऐसे। दोबारा देखिए, ये पीछे वाला पीस है और ये आगे वाला पीस है, ये आगे का पोर्शन है, इसको हमने पीछे वाले पीस पर रखा ऐसे, कंधी से कंधी मिलाई और इसको इस पर ऐसे पलट दिया, और ये मार्जिन भी हमने पूरा पलट देना है ऐसे ऐसे पलट कर
और इसको इसके ऊपर रखकर ऐसे, और हमने यहाँ पर दोनों तरफ इधर भी लगानी है और दूसरी तरफ भी हमने ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारी ये सिलाई लग जाती है और देखिए कितनी नीट एंड क्लीन सिलाई लगी है। ये जो हमारा मार्जिन होता है ये हमारा इसके अंदर छुप जाता है। इस तरह सिलाई लगाएंगे, गंदी की सिलाई लगाएंगे तो हमारा मार्जिन दिखता नहीं है और बहुत सफाई से फिनिशिंग हमारी आती है। तो आप भी ऐसे ही कंधी को जोड़ना सीखिए। ये कंधी जोड़ने के बाद अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ये है जो कमीज़ है जो है हैवी साइज़ की है, तो इसमें अपर बस्ट का हम पहले निशान लगा लेंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अपर बस्ट हमारा 12.5 था तो सेंटर, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने 12.5 लेना है। यहाँ पे ये देखिए, ये 12.5 पे हम निशान लगा देंगे ऐसे, और जो इसकी सिलाई लगेगी थोड़ी गोलाई लेके लगेगी। नॉर्मल कुर्ती में हम यहीं से सिलाई लगा देते हैं पूरा, हम फिर कवर पे आते हैं, लेकिन इसमें हमारी अपर बस्ट भी होती है और जो मेन बस्ट है उस पर भी हम शेप देते हैं, क्योंकि इसमें हमारी बस नीचे हो जाती है और जो हमारी मेन ब्रस्ट है वो हमारी 13 है, ऊपर हमारी 12.5 है तो नीचे हमारी 13 है। तो हम इसको ऐसे हल्की हल्की गोलाई देंगे, इस तरह की नोक नहीं बनाएंगे, गोलाई देंगे ऐसे, हल्का सा तिरछापन सा ऐसे गोलाई लेते हुए आएगा। ये देखिए इस तरह लेते हुए हम इसको फिर यहाँ पर भी गोलाई देंगे ऐसे ऐसे राउंड देते हुए, और फिर हम कमर से जो हमारा निशान है कमर का इस पर हम जाएंगे। ये देखिए इस तरह हमारी शेप आएगी, क्योंकि हमारी जो हैवी साइज की कुर्ती होती है हमारी बस इस पॉइंट पर होती है, यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। तो हम इसकी शेप, हम इसकी जो बस की शेप देंगे हम यहाँ पर, जिससे हमारी प्रॉपर फिटिंग आती है। ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मेन सिलाई हमारी है, फिटिंग की सिलाई ये है हमारी, और उसके बाहर की तरफ हमने एक पैर के मार्जिन देते हुए हमने दो सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखिए इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और कभी भी हमें टाइट या ढीला हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और ये देखिए ये बस की हमारी इस तरह की गोलाई, यहाँ कोना नहीं बनाना, हमें गोलाई देनी है ऐसे करके, इससे हमारी प्रॉपर शेप आती है। ये देखिए जो हमारी नॉर्मल कुर्ती होती है हमारी उसकी सिलाई ऐसे आती है और इस तरह आती है, वहाँ नॉर्मल की हमारी नॉर्मल कुर्ती की सिलाई हमारी इस तरह आती है इस तरह, लेकिन जो ये हमारी जो हैवी साइज़ है तो उसको हमने सिलाई थोड़ी गोलाई देके दी है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ऐसे ही इस तरह की सिलाई हम जैसे लगाई है वैसे हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। चाक पलटेंगे, चाक पलट के बॉटम, ये हमारी मुड़ी हुई बॉटम पहले से तैयार है हमारी बॉटम, ऐसे हमने पीछे वाली बॉटम भी हमने मोड़ दी, अब इसके हम चाक को मोड़ेंगे। तो उसके लिए कैसे निशान लगाएंगे देखिए, हम कमीज़ को पहले घेरे से आधे पे मोड़ लेंगे, डबल मोड़ लिया, जो हमारा हिप का निशान था 13.5 तो हम इस पर भी 13.5 पे ही निशान लगा देंगे। यहाँ से लेंगे, इस जगह से लेंगे, बीच में से निशान लगाएंगे और यहाँ पे 13.5 पे निशान लगा देंगे, ये हमारा बॉटम का निशान हो जाएगा। ये निशान हमने पीछे भी ले लेना है ऐसे, और इसको हम मोड़ देंगे। इसको ऐसे करके हमने एक बार ऐसे फोल्ड करना है, मार्जिन को पहले ही रखना है सीधे से, लाइनिंग को सीधे करना है और इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और हम इस पर 5 नंबर की जो कच्चे की सिलाई होती है वो सिलाई पूरे पे हम लगाएंगे दोनों चाक पर।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चाक अच्छे से सफाई से मुड़ गए। ये देखिए, कहीं कोई सलवट वगैरह नहीं है, तो सफाई से हमारे चाक मुड़ गए। ऐसे हमने दूसरी तरफ भी चाक मोड़ने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये चाक भी दोनों तरफ से मुड़ गए और ये हमारा बॉटम भी तैयार हो गया। दोनों तरफ हमारी सिलाई लग गई, ये कच्चे सिलाई लगा दी पीछे वाले पे और आगे हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। अब हम बाजू की तैयारी करेंगे। तो बाजू कैसे लगाएंगे, उसके लिए पहले हम उसमें लाइनिंग लगाएंगे बाजू में। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ये हमारी बाजू है, इस पर हम, ये हमारा सीधी तरफ है और ये हमारी लाइनिंग है। तो लाइनिंग को हम सीधी तरफ लगाएंगे, पहले ऐसे पलटेंगे और लाइनिंग को इस पर सीधे की तरह लगाएंगे। इसे ये हमारी बड़ा टाका लगाएंगे इसमें हम और इसे पलट देंगे। अब इसे पलट देंगे ऐसे और नखून के साथ ऐसे कर देंगे, इसे पलट कर ऐसे सीधा कर देंगे और फिर इसको बीच बीच में इस फिर यहाँ पे पहले यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ लगाएंगे। जो हमारा बॉटम है वो है 8.5 इंच, तो हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 8.5 लेंगे, बॉटम पे हम 8.5 पे निशान लगा देंगे और जो हमारा आर्म होल है वो है 11.5 इंच, तो यहाँ पे हम इस पर निशान लगा देंगे और इसको आपस में अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू तैयार हो गई। ऐसे ही हमने दूसरी बाजू भी तैयार करनी है। ये हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई। अब इसे हम कमीज पर लगाएंगे। तो पहले हम सेंटर बेस में कट का दोनों तरफ निशान लगा देंगे। देखिए बाजू कैसे लगाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा उल्टी तरफ है, कमीज हमने उल्टा रखना है और बाजू हमने रखनी है सीधी और इसकी गहराई देखनी है। जहाँ जिस तरफ गहराई होगी उस तरफ हमारी बाजू लगेगी। अब पहले हम इसको ऐसे दबके देख लेंगे कि ये जो गहराई है हमारी इधर लगेगी। तो बाजू को हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे, ऐसे कमीज के अंदर बाजू डालेंगे और इसका जो मार्जिन नीचे होगा ये वाला आर्मोल से आर्मोल मिलाकर सिलाई को हम चारों तरफ से ऐसे गोलाई में लगाएंगे। और ये हमारा कट का निशान हमारा इस पे सेंटर पे जरूर मिलना चाहिए। ऐसे पहले लगा के देख लें, आप ऐसे कर लें, ऐसे 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 घुमाते जाएं और देखते जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कट का निशान कट से ये सेंटर का मिल रहा है, कंधी से हमारा ये कट का निशान मिल रहा है। इसका मतलब हमारी बाजू बिल्कुल सही लगेगी। अब इसको गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हैवी साइज़ की बाजू है और कितने अच्छे से हमारी फिनिशिंग से बाजू लग गई, कहीं झोल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कितना सफाई से लगी है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ की बाजू भी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारा कमीज बनकर ये तैयार हो गया और बाजू भी हमारी अच्छे से फिनिशिंग से दोनों बाजू में ये लग गई। ये देखिए
कितने बाजू में फिनिशिंग है और गला हमारा कितना खूबसूरत सा बना है। इसमें बस आपको ये बताएं, ये देखिए ये जो शेप आ रही है ये आती है हमारी जो हैवी साइज़ कुर्ती की शेप आती है हमारी इस तरह की आती है, क्योंकि बस्ट पॉइंट हमारा ये होता है ना कि ये, तो यहाँ पे हमें गोलाई दे रही होती है, इस पे ध्यान रखना होता है और गले वगैरह पे और कंधे पे ध्यान देना होता है हमें कि हमारा कंधा ना गिरे, इसको देखते हुए हमें ये कुर्ती बनानी होती है। तो इस तरह हमारी कुर्ती पूरी कंप्लीट हुई। ये देखिए कितनी सफाई से हमारा बॉटम भी मुड़ गया पीछे आगे, ये देखिए चाक, ये चाक देखिए कितनी सफाई से हमारे मुड़े हैं। इस तरह हमारी कमीज की से जो स्टिचिंग कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैवी साइज़ कुर्ती कैसे बनाई जाती है। अब आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।